अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आप पूरी सीरीज़ देखेंगे। अगेन वी आर एट नैयरा गोट फार्म। नैयरा गोट फार्म जो भिवंडी में काफ़ी फेमस गोट फार्म है माशाल्लाह। लास्ट टाइम हमने पलाई के रिलेटेड वीडियो बनाई, बकरे कुछ जो फॉर सेल थे उसके बारे में हमने वीडियो बनाई थी जैन भाई के साथ में, नोवेज भाई के साथ में। आज फिर वो दोनों भाई हमारे साथ में हैं। नैयरा गोट फार्म पे काफ़ी सारे बकरे हमेशा आपको देखने मिलेंगे। बकरों के साथ साथ क्रिकेट टर्फ, स्विमिंग पूल और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो आइए टीम से मिलते हैं एंड ये पूरा प्रोसीजर आगे ले जाएंगे। ये वीडियो लास्ट तक देखना, कुछ ऐसे ऑफर सुनोगे आप जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो जैन भाई, ओवेज भाई को तो लोग जानते हैं माशाल्लाह। सो जैन भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लास्ट टाइम भी हमने वीडियो बनाई थी एट नैयरा गोट फार्म, थोड़ी सी आपकी हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपने कब फार्मिंग स्टार्ट की और आप अभी नैयरा पे क्या कर रहे हो बेसिकली? ये मैंने ये जो फार्मिंग लाइन में जो आया हूँ ये जनवरी 2019 से आया। मेरा जो था इसके पहले फार्म जो था वो पुणे में था, जेजुरी में। लेकिन वहाँ पे बकरे सेट नहीं हुए, डॉक्टर सही नहीं मिले, तो वहाँ से मुझे बंद करना पड़ा एक साल में। और मैं लास्ट ईयर जो हूँ जनवरी 2020 में ये नैयरा गोट फार्म में शिफ्ट हो गया हूँ। ओके। और यहाँ पे मैंने जो है नियाज भाई जो ओनर है उनसे मैंने रेंट पे लिया है था। पहले मैंने दो गाले ही थे मेरे ये ईद तलक। अभी ये नेक्स्ट ईयर से जो है ये मैंने अभी 3 महीने हो गए, अब मैंने पूरा ग्राउंड फ्लोर ही ले लिया हूँ। पूरा ग्राउंड फ्लोर आपका, ग्राउंड फ्लोर जो आप देख रहे हो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था जी, ये पूरा ग्राउंड फ्लोर अभी ले लिया है। ठीक है। तो लास्ट ईयर जो है लास्ट वीडियो में अपन ने जो बताए थे कि अपने रेंट के बारे में, लेकिन मेरा जो गोट फार्म जो है यतीन से एग्रो एंड गोट फार्म उसके बारे में अपन ने बताए नहीं थे, उसका अपन आज वीडियो बनाएंगे यतीन एग्रो एंड गोट फार्म के नाम से। और वो स्पेशल ऑफर देंगे कस्टमर को ताकि कस्टमर को एकदम वाजिब रेट में मिल जाए, ताकि कस्टमर जो है वो 2 महीने बाद बकरे लेने वाला था, शौक करने वाला था, उसके जो पैसे जो है वो परचेस में बच जाएंगे। जो 2 महीने बाद लेने वाला था वो अभी ले लेंगे और हमारे पास भी पलाई पे रख सकते हैं। और भी काफ़ी सारे फार्म हैं भिवंडी में, वहाँ पे रखेंगे, उनके पास भी चलेगा, वो भी अपनी भाई हैं सब। आजू बाजू में आपको भिवंडी में काफ़ी फार्म मिल जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात की, आज के टाइम पे ब्रदरहुड की बातें यू नो काफ़ी अच्छी है कि एक साथ मिलके चलना काफ़ी ज़रूरी है, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए। आपके पास रखना है तो आपके पास रखो, नहीं तो आप दूसरी जगह भी रिकमेंड करो, कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ी बात है, मसला नहीं है। सो यतीन एग्रो फार्म के कितने बकरे फॉर सेल है अभी ये बताइए आप इधर? अभी आज के करंट के इसमें तो 185 बकरे अभी फिलहाल फार्म पे खड़े हैं सेल के लिए। ये वाले कौन सी ब्रीड में हैं ये बकरे? ये अपने पास अजमेरा है, सिरोही है, सोजात है, फिर नागफनी में है, मतलब माशाल्लाह 4-5 ब्रीड है, काफी सारे है, गुजरी में है और अंडूल खस्सी दोनों के लिए, दोनों अवेलेबल, दोनों माशाल्लाह। सो पहले ऑफर से स्टार्ट करते हैं भाई, हम लोग सिरोही बकरे देख लेते हैं, सिरोही अजमेरा, ताकि लोगों को हम लोग बता पाए कि क्या रेट में दे रहे हैं आप और क्वालिटी क्या है बकरों की। सही, ठीक है। सो आइए हम बकरे देखना स्टार्ट करते हैं। सो जैन भाई, कितने बकरे हैं टोटल सिरोही के इसमें? ये 20-22 बकरे हैं माशाल्लाह। और ये सारे दांत कर चुके हैं? अदंत है, कुछ ने दांत किया है। अच्छा, ईद तलक ये पूरे तैयार हो जाएंगे माशाल्लाह। अच्छे कलर्स में भी हैं। ये क्या वजन है, एवरेज वेट क्या होगा इनका? ये इनका एवरेज वेट 35 केजी होगा। 35 तो 30 के भी है, 40 के भी है, 45 भी है। और बड़े से एक बड़ा वाला देखो आप, हाँ, ये मुंडा 50-55 के आसपास होगा। सही है, मुंडा जो है। और ये आप क्या रेट में दे दोगे, सबसे इम्पोर्टेंट? ये तो अपन 350 अपन कोट कर रहे हैं जी। लेकिन वो नेगोशिएबल है, अगर कोई बंदा अपने से 5 बकरे लेता है अपन उनको जो है 325 में भी दे देंगे फाइनल, लेकिन उसमें नेगोशिएट नहीं हो पाएगा जी ये वाला। और ये अंडुल में है खस्सी में? ये अंडुल भी है, कुछ खस्सी भी है, इसमें मिक्स है, मिक्स बकरे, मिक्स लाएगा कस्टमर, किसी को अंडुल पसंद है तो अंडुल ले, खस्सी पसंद है तो खस्सी ले। और अगर कोई खरीद के अपने पास रखता है तो व्हाट विल बी द पलाई चार्जेस फॉर दिस गोट्स? ये वेट के हिसाब से अपना जो रेट जो है ये वेट के हिसाब से, अगर 25 के नीचे जो है ये अपना जो पलाई चार्जेस जो है वो 1500 रुपया है, और जो 25 से ऊपर है 50 केजी तलक उसका 2000 है,
और ये 50 से 75 जो है उसका 2500 है, और जो 75 के ऊपर जो भी रहेगा 100 तक उसका जो है वो 3000 रुपीज़ है, 3000 रुपये। मैं ना ये पट्टी में सोजत के कुछ 3-4 बच्चे देख रहा हूँ, ये हम बता देते हैं लोगों को कि ये सिरोही के लॉट के नहीं है, 4 बच्चे इसके अंदर है ना, वो अलग से देने हैं वो। सो ये एक हैवी बकरा इसके अंदर, और ऐसे कुछ और बकरे भी जैसा भाई दिखा रहे हैं, देखें यहाँ खड़े हैं। सो अगर आपको चाहिए सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, सही रेट में बकरे मिल रहे हैं आपको, एंड आई थिंक ये राजस्थान का रेट आप यहाँ दे रहे हो बेसिकली। सो ये रेट कंटिन्यू रहेगा, मैं पूछना चाहूँगा कि इनॉग्रेशन है हम लोग इसके लिए, ये कैसा है सर जी? ये खरीदी के ऊपर है, अगर हमारी खरीदी जो रहती है, अगर रेट वहाँ से राजस्थान से चेंज हुए तो हम यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। वैसा अगर कम हुआ तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि उससे भी कम में देने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, मैं थोड़े बकरे और दिखा देता हूँ अंदर जाके, देन विल क्लोज द वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए आप, एक एक बकरा आपको दिखा रहा हूँ मैं, और ये जो 4 बच्चे मैं बताया था 3 यहाँ पर ही हैं, ये अलग पट्टी से देने हैं, और एक बच्चा और है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये बच्चा है वो। सो जो बकरा आपको पसंद आता है स्क्रीनशॉट लेके भेजें, और यहाँ पलाई पे रखा सकते हैं अगर आप नहीं आ सकते तो, पर अच्छा तो यही होगा कि आप आके देख के बकरा लें यहाँ से। सो सर ये पहले बकरे देख लिए सिरोही के, एंड इसके बाद में हम लोग सोजत के काफ़ी बड़े बकरे देखने वाले हैं, एंड आपके नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, ताकि लोग कांटेक्ट कर पाए। वैसे तो बहुत लोगों को फार्म मालूम है, कहाँ पर कोई नए लोग हैं तो उनके लिए प्लीज़ एड्रेस बता दीजिए ओवेस भाई। ये अपना भिवंडी मापोली है जी, मापोली में मालबीड़ी गाँव है, उसके अंदर अपना फार्म है ये, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे को कांटेक्ट करें, मैं लोकेशन डाल दूँगा उसके अंदर। सही है, और आई थिंक गूगल मैप पे रजिस्टर है, गूगल मैप पे नहीं, बहुत से लोग को उसमें भी नहीं समझ में आता है बोलते हैं, तो वो कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अपन बता देंगे। सही है, एंड फार्म के साथ साथ लोग आएंगे यहाँ पर फैमिली के साथ में, लेकिन इंजॉय विद क्रिकेट फुटबॉल एंड आई थिंक सम इंडोर स्पोर्ट्स ऑल्सो, है ना। सो एक फ़ायदा है फार्म पे आने का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप दोनों का, अभी नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन करते हैं, अल्लाह हाफिज़।